हाथों को उठाएंगे, उठाओ परमेश्वर की तरफ। ओ लॉर्ड जीसस फादर, तेरा धन्यवाद देता मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु। जितने लोगों ने मेरे पिता दूर दराज से तेरे नाम से आए प्रभु, एक एक जन, एक एक जन, एक एक जन प्रभु तेरे आशीष में, तेरे सामर्थ में भर जाए। ओ लॉर्ड फादर, हम तुम्हें पुकारते हैं परमेश्वर, तो आशीष देने के लिए हमारे बीच में आते हैं। हम तुम्हें याद करते हैं परमेश्वर सब मिलकर कि हे प्रभु, तू हमारे जीवन में आइए, हमारे बीच में आइए प्रभु, और हम सबके ऊपर तेरा दया बन जा। फादर जीसस, थोड़े समय शांति में हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना, ओ जीसस लॉर्ड पिता यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, एक जन असच में मेरे प्रभु तेरे अभिषेक से भर के जाए यहाँ से, और ये खुदा तेरे गवाह ठहरे कि प्रभु तू जीवित है और तू जीवतों में रहता है। यीशु मसीह के नाम में सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इनकी हर मुरादे पूरी हो जाए यीशु के नाम। हर घबराहट, हर बेचैनी, हर रोग, हर कष्ट, हर दुख यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लाचारी में, दुख में, परेशानी में, बीमारी में, संकट में, कलेश में, एक एक लोगों के ऊपर प्रभु तेरा आशीष उतर जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनके ऊपर दया हो जाए यीशु के नाम। थैंक यू जीसस। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल, आत्मा से भर के गीत गा। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, बोलो प्रभु हमें पवित्र स्थान में ले चल। हम पवित्र स्थान में आए हुए हैं और हमें आत्मा से भर, हमें तैयार कर प्रभु, हम तेरे सेवा कर सके, हम तैयार कर, हमें तैयार कर, हमें बल दे, हमें सामर्थ्य दे। हम तेरे बिना अधूरे हैं परमेश्वर, सामर्थ्य को मांगो, अभिषेक को मांगो। ओ लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, मेरे प्रभु तू कहा कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज जो लोग प्रार्थना करके विश्वास करके मांग रहे हैं इनके लिए हो जाएगा। जो आत्मा मांग रहे आत्मा दिया जाए, अन्य भाषा मांग रहे अन्य भाषा दिया जाए, जो पवित्र आत्मा का दान मांग रहे हो दान पाए यीशु मसीह के नाम।
हो पवित्र फादर 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 यीशु मसीह के नाम स्थान में चल प्रभु हो मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु वो तेरे सामने झुकते हैं सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं सजदा हम करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं सच्चाई से आराधना करते हो पवित्र ओ लॉर्ड अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु हो शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे खोलो प्रभु के लिए शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे ओ प्रार्थना है हमारी आत्मा से तो भर दे प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे हो पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु हो जितना मैं तुझको जानो उतना करीब आओ मैं तुझको जानो उतना करीब आओ जितना मैं तुझको जानो उतने करीब आओ जितना मैं तुझको जानो उतना करीब आओ जितना मैं तुझको पाओ उतने आशीष पाओ जितना मैं तुझको पाओ उतने आशीष पाओ हाथ उठा के हो पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु हृदय के साथ एक साथ गाएंगे स्थान में ले चल प्रभु हो मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु हो तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर सब विश्वास करने वाले के ऊपर अभिषेक छोड़ रहा है मैं आपका यीशु छोटा नहीं है यस थैंक यू यीशु बड़ा है मैं आप उसके प्रिय बेटे और बेटियां हो yes, आप उस परमेश्वर के बेटे हो कि कभी उसने वादा किया कि मैं तेरा हाथ पकड़ लिया हूं कभी नहीं छोड़ूंगा yes, Jesus. आप यीशु मसीह के बेटे हो बोलो आमेन आमेन वो नहीं छोड़ेगा शैतान yes. दुख दे सकता है शैतान बीमार कर सकता है और भी थोड़े समय के लिए हमें शैतान परीक्षा ले सकता है वो भी थोड़े समय के लिए लेकिन यीशु सदा सदा हमारे साथ रहता है मैं देखना चाहूंगा जितने बपतिस्मा ले चुके हैं जितने वॉलंटियर हैं बपतिस्मा लिए हुए लोग कितने हैं यहाँ पर बपतिस्मा पाए हुए लोग जो आज प्रभु भोज के लिए आए हैं
परमेश्वर ब्लेस करे। ओके, ये दोनों कूलर के यहाँ क्या काम है? एक कूलर इधर लगा दो, एक कलर उधर कर दो उस साइड में। आप लोगों को, इतने लोगों यहाँ पर क्यों है, क्या जरूरत है? ऐसे क्यों मैं यहाँ इकट्ठा हुए हूँ? आप लाइन से, या अगर यहाँ भी हो तो यहाँ से लाइन से खड़े रहो ना यहाँ पर, तब तो समझ में आएगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ लाइन पर खड़े होकर, चलो सब यहाँ इधर खड़े हो, सामने खड़े होकर, जैसे वो लोग पीछे खड़े हैं, जैसे वो लोग पीछे खड़े हैं वैसा खड़ा कराओ। वॉलंटियर कहाँ गए? फटाफट कराओ, फटाफट कराओ, सामने खड़े कराओ, सामने, ऐसे इकट्ठा ना करो, जल्दी से फास्ट हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो, सब 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 लेके चलो इधर। यीशु को आज्ञाओं को मानता है, आप समझ रहे कि नहीं? वो यीशु का आज्ञा को मानता है। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सब छलांग मार के बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, दिल से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस रीबा पापा नंदगर मेरे के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु। सब बैठ जाओगे, हवा लगेगा। गैलरी भी जाम नहीं करना है, गैलरी भी होना चाहिए। वॉलंटियर ना गलती करे तो कौन करेगा? जब जगह है तो जगह में बैठाओ ना लोगों को, खुद बैठ जाओगे तो लोग कहां बैठेंगे? गैलरी साफ रखो। परमेश्वर उन व्यक्ति से मोहब्बत करता है जो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है। परमेश्वर ने कहा जो तेरा सुनता है वो मेरा सुनता है, और जो मेरा सुनता है वो तेरा सुनता है। अगर आप परमेश्वर के नबी की बातों को सुन रहे हो तो आप प्रभु का सुन रहे हो, अगर प्रभु का दास की बातों को नहीं सुन रहे हो तो आप प्रभु का नहीं सुन रहे हो। ये आपका पहचान है। सब बलहा हालेलुया। जीसस लॉर्ड फादर 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 फादर। हम थोड़ा सा और तैयार हो गए आत्मा में, आंखें बंद रखो, कोई बातें ना करें, सब साइलेंट मोड में हो जाओ कि आपसे परमेश्वर बात कर सके। जब आप साइलेंट मूड में रहोगे परमेश्वर आपसे बात करेगा। ओ जीसस, तू बच्चे के लेकर हवा में कहीं बैठ जाना, क्यों तू इधर उधर घूमती है? अकल नहीं आता इन लोगों को। जीसस, तुम कहीं साइड में जाकर बैठो, हवा के पास बैठो, या बच्चे को हटाओ वहां से। तैयार हैं यीशु के लिए? यीशु के लिए रेडी हैं? बोला हाँ या ना? हाँ। आज मैं आगे वाला से बात नहीं करूंगा, बिल्कुल पीछे वाला से बात करूंगा। आज सबसे पहले प्रार्थना पीछे वाले करूंगा। यस, समझ रहे हैं ना? जो संतुष्ट रखता है, कहता है कि हमें सबर है प्रभु पर, वो मुझे दे या ना दे, वो मुझे छुए या ना छुए, वो मुझे दिखे या ना दिखे, वो मेरा परमेश्वर है। जब यीशु मसीह के चेले थोमा के पास गए, गए अरे थोमा, यीशु मसीह मुर्दे में से जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। वो कहे गए मैं नहीं मानता जिंदा हो गया। बोले कैसे मानेगा? बोले कि जब तक पंजर में हाथ नहीं डाल दूंगा, जब तक उसका पैर को नहीं देख लूंगा, उसका हाथ को छेद के नहीं देख लूंगा, तब तक नहीं जानूंगा कि वो जिंदा होगा। वैसे आप विश्वासी हो, जब तक वो छेद नहीं देख लोगे हाथ में क्या, तब तक वो आपको नहीं पता होगा कि प्रभु है भी। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा क्या तुम मुझे देखते हो इसलिए विश्वास करते हो? क्या मुझे देख रहे हो इसलिए विश्वास करते हो? धन है वो जो बिन देखे विश्वास करता है, वो आशीषित होगा यीशु के नाम में। वो धन है जो प्रभु पर विश्वास करता है, बिन देखे
नहीं देखता फिर भी भरोसा है, नहीं सुनता फिर भी भरोसा है, वो धन्य कहलाएगा और वासिषित होगा यीशु का नाम है। कितने वॉलंटियर यार, वॉलंटियर कितने वॉलंटियर, सेवादार 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 कितने सेवादार जो वॉलंटियर काम करते हो और मेंटी करते हो, इसमें तो है ये नहीं भाई साहब, फिर कौन लोग बैठ गए इसमें, कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखना, आगे से लोगों को बैठाना है, बैठना नहीं, ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। एक समय था जब हमने सेवकाई स्टार्ट किया था, उससे पहले जब मैं चर्च में जाया करता था तो मेरा सेवा था कि मैं दूसरों को बैठाऊं, दूसरों का कुर्सी साफ करके दूं, दूसरे के लिए कुर्सी लगाऊं, और हम जाकर पीछे बैठते थे, पीछे बैठ कर रोते थे कि हे प्रभु सब तो जल्दी जल्दी करके आगे जाते हैं, हम कौन सा जल्दी करें, हम यही भरोसा रखते थे अगर प्रभु अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो पीछे से मुझे बुलाएगा, आजा बेटा पीछे से आगे, जब तू मुझे पीछे से बुलाएगा और मैं आऊंगा तो सबके नजर मेरे तरफ होगी, किसको बुला रहे, समझ रहे कि नहीं, जब मैं किसी को पीछे से बुलाऊं और वो व्यक्ति वहां से चल के मेरे पास आए तो सबके नजर जाएगा कि नहीं, जो पहले ही आगे से बैठा है उसके तरफ कौन देखेगा, तो पहले से बैठल भी है, फिट भी है। यीशु मसीह कहा, चेलों से कहा, समझाने लगा कि हे बेटा जब किसी भोज में जाओ, किसी घर शादी में जाओ, किसी घर राजा के घर या किसी घर शादी में जाओ, भोज में जाओ, तो जब तुम जाओ तो अपने लिए ऊंचा स्थान मत चुनना, ऊंचा स्थान मत चुनना। आप जब किसी घर जाओ तो जाकर क्या करना, नीचे बैठना, पीछे बैठना। कितने सुन रहे हैं, परमेश्वर ने कहा राजा के घर जाना तो पीछे बैठना, कहां नीचे, नीचे चुपचाप बैठे रहना, तब तक बैठे रहना जब तक जिस घर तुम न्योता में नहीं गए हो, जब तक तुम राजा के घर गए हो, जब तक राजा आ ना जाए तब तक तुम कहां बैठना, नीचे बैठना। जो आगे बैठ जाते हैं उनको बैठने देना, जो सोफा पे बैठ जाते हैं बैठने देना, लेकिन तुम तब तक नीचे बैठना जब तक राजा आ ना जाए। जब राजा आए और तुझे नीचा बैठे देखे और उसको तरस आए और वो तुम्हें हाथ पकड़े और कहे कि नहीं मेरे मित्र तू नीचे नहीं, तू मेरे साथ बैठ, और तब तुम्हें लोगों को बीच में लेकर जाए और वो सिंहासन पर बैठाए, उस समय तेरा सम्मान सबसे ऊंचा होगा। हालेलुया हालेलुया। उस समय तू लोगों को बोलेगा थोड़ा साइड हो जाओ, ये मेरा खास मेहमान है, बैठने दो। लोग भी परेशान हो जाएगा, भाई साहब हमसे भी कोई खास है, समझ रहे कि नहीं। आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का नर्मदा संयम धीरज कृपालु भलाई करने वाला, समझ रहे कि नहीं। ऐसे ऐसे जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा जिस दिन, उस दिन 500 का साड़ी अगर पति के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, 200 को पहन लोगे ना तो भी चमक जाओगे। जिस दिन सबर हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, आज पत्नी लोग गुस्सा करती है पति पर, कहती है आज मेरे को शादी में 2000 का साड़ी चाहिए, 2000 का साड़ी, और जिद कर देती है, पति से कहती है 2000 के देंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पति देव के पास जेब में पैसा तो है नहीं बेचारा का, कमाता 300-500 रोज खर्च हो जाता है, लेकिन पत्नी का फरमाइश पूरा करना है तो उसको कहीं से कैसे देना है। अगर वो कर्जी लेके 2000 का साड़ी खरीद के दे भी दिया और पति का मन खुश नहीं है, देने के बाद भी खुश नहीं है, तो पत्नी 2000 का नहीं 2,00,000 का भी साड़ी पहन ले, चमकने वाला नहीं है, चमकने वाला नहीं है। अगर पति खुशी मन से 200 का ही उसका शक्ति 200 का ही और 200 का साड़ी दिया, अपने हंसी खुशी से पति का बात मान के पहन लिया और कहा कि कोई बात नहीं पति देव हम यही पहन के जाएंगे, मैं बता दूं सबसे अच्छा दिखाई दोगे यीशु मसीह के नाम। आप समझ रहे कि नहीं,
नरम बनो। बाइबल कहता है तुम्हारे पास जितना संपत्ति है उतने में संतुष्ट रहो, तुम जैसे हो वैसे खुश रहो तो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। आमेन। आमेन। और परमेश्वर आपको आशीष दिया करेगा। बोलो आमेन। आमेन। आप परमेश्वर को दिखाने आए हो कि मैं कैसा हूं? कितने लोग परमेश्वर को दिखाने आए हो? परमेश्वर शीशा जैसा है। शीशा कितने लोग समझ रहे हैं? शीशा कितने समझ रहे हैं? शीशा देखे हो? शीशा शीशा कितने देखे हो? बोला हाथ उठा के बताओ हम देखे हैं। परमेश्वर भी शीशा का जैसा है। कितने लोग शीशा लेकर आए हो? औरत औरत बैग में शीशा लेकर चलती है, सब मेकअप लेकर चलती है, सारे टोटली हर क्वालिटी का सामान होना चाहिए बैग के अंदर, है ना? पति का जेब में पैसा हो या ना हो, पत्नी का पर्स में सब होना चाहिए। शीशा कितने लोग देखे हो? देखे हो कि नहीं? शीशा के सामने आप खड़े हो जाओ और आपका ये गाल पर अगर कोई दाग लगा है, गाल पर लिलार पर दाग लगा है तो शीशा के सामने छुप सकता है कि दिख सकता है? बोलो, दिखेगा शीशा में कि छुप जाएगा? छुपेगा नहीं, दिखेगा। वैसे यीशु मसीह सबके मन को जानता है। जब उसके दरबार में आप आते हो तो वो आपको परख लेता है, जान लेता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम कैसे हो, और उसके बाद आपको उठाकर खड़ा करता है। आमेन। आमेन। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष दे। मैं कुछ वचन दूंगा, आज वचन का दिन है। बपतिस्मा लेने के लिए भी कोई आया है? जी बपतिस्मा वाले आप रेडी कर लिए हो? थोड़ा इसको घुमा दो मेरी तरफ और उस औरत बीच में खड़ी होगी उसको बोलो बैठ जा, हवा सबको लगने दे, कूलर की कमी तो नहीं हो रहे ना? इधर इधर कूलर भी काम नहीं कर रहे हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। वॉलेंटियर कितने? मैंने फिर मैं पूछ रहा हूँ, वॉलेंटियर कितने हैं? वॉलेंटियर कितने बाइबल पढ़ते हैं? ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला कौन है? सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला जो सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ता है वो खड़ा हो जाए। सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला आप बाइबल पढ़ते हो? कहाँ है बाइबल? बाइबल कहाँ है? मैं मोबाइल से पढ़ता हूँ, इसलिए मोबाइल से पढ़ता हूँ। यीशु को जानते हो? जी हाँ जानते हैं। कब से? दो साल से। दो साल से। कितने घंटे प्रार्थना कर लेते हैं? 3 बजे करते हैं, सुबह 6 बजे करते हैं, फिर शाम को 5 बजे करते हैं, 9 बजे करते हैं। वाह क्या बात है। 1 घंटे। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा 3 बजे, 1 घंटा 6 बजे और 1 घंटा 5 बजे और 9 बजे करते हैं। ओके ओके। काम क्या करते हो? मजदूरी। ओके ओके। परमेश्वर आपको आशीष दे। और किसके पास बाइबल? जो सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ता है वॉलंटियर में, वॉलंटियर में सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला वॉलंटियर मुझे बताए, सबसे अधिक बाइबल पढ़ने वाला जो हर सवाल को जवाब दे सके, ऐसा वॉलंटियर जो है वो खड़े हो जाए, जो मुझसे बात कर सके और मेरे वचन को जवाब दे सके। कोई नहीं, एक ही खड़ी है। क्या दशा? परमेश्वर तुम्हें फेमस करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। यस आमीन। और तू एक दिन पास्टर बनेगा। यस आमीन। मैं घोषणा करता हूं इतने लोग के बीच में, तेरे सेवा को प्रभु देखेगा। yes, क्योंकि तेरे अंदर डर नहीं है। yes, डर ही नहीं,
परमेश्वर ने कहा कि जब मेरे बारे में लोग तुमसे पूछें तो शर्माना नहीं, तुम खड़े हो जाना, डरना मत, खड़े हो जाना। अगर नहीं भी पता होगा तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और तू बोल पाएगा। आपको क्या लग रहा है कि प्रभु आपको बल नहीं देगा? आपका भरोसा नहीं है कि हम खड़ा होंगे तो परमेश्वर मेरे मदद करेगा? नहीं है भरोसा, वॉलंटियर नहीं है भरोसा कि मेरा परमेश्वर मदद कर सकता है? भरोसा रखो, इसका अंदर भरोसा है। खुदा तुम्हें बढ़ाए, आज से तू सबसे ज्यादा फेमस रहेगी यीशु का नाम। और तू देखना आने वाले साल में तू मेरे साथ पास्टर बनकर काम करेगी। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और मेरे जुबान को प्रभु पूरा करे। बैठ जा, आमीन। यशायाह का पत्र निकालो और प्रभु से बातें करें। पहले उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, एक वचन निकालो, यिर्मयाह 1:4 निकालो। तो यिर्मयाह 1:4 मिल गया जी। हालेलुया, पढ़ो। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। समझ रहे हैं? कितने सुन रहे हैं? तब यहोवा की यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। आपको प्रभु कब से जानता है जानते हो? माँ के पेट से। कब से जानता है? जब गोलियत को मारना था और गोलियत ललकार रहा था कि कोई है वीर जो मुझे मार दे, जो कोई है वीर जो मुझसे लड़ाई करे, बड़े बड़े वीरता, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े लड़ाकू उसके सामने खड़े नहीं हुए। लेकिन आपको पता है छोटा सा बालक जिसका नाम था दाऊद खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। और लोग क्या कहने लगे, ये गोलियत क्या लड़ेगा, गोलियत से ये दाऊद क्या लड़ेगा, ये छोटा सा बच्चा है। लोग कहे ए दाऊद पिछड़ जा, पिछड़ जा, तू क्या लड़ेगा, तू तो बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा कि वो गोलियत है, और जानते हो मैं कौन हूं? मैं दाऊद हूं, और मेरा परमेश्वर जानते हो कौन है? यहोवा है। उसका गोलियत का जो परमेश्वर वो शैतान है, और मेरा परमेश्वर यहोवा है। अब बताओ शैतान जीतेगा कि मेरा परमेश्वर जीतेगा? दाऊद को छोटा समझ के लोग ये कुछ नहीं कर सकता, हटाओ हटाओ हटाओ, ये तो निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता इसका, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने कहा कि आज तक मैं एक भी जंग नहीं हारा हूं, आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारा हूं, और हर लड़ाई में परमेश्वर ने मुझे जीत कराया है। मुझे भरोसा है इस लड़ाई में मुझे वो जीत कराएगा। लोग परेशान थे, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, एक भेड़ बकरी चराने वाला बच्चा कैसे गोलियत से लड़ेगा हो? लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे एक मौका मिलना चाहिए, मैं लड़ूंगा। सब पीछे हट गए, सब पहलवान पीछे हट गए, वीरता पीछे हट गए, साउल भी पीछे हट गया, लेकिन गोलियत नहीं हटा और दाऊद नहीं हटा। गोलियत ललकार रहा है और दाऊद भी अपने परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ रहा है। और जैसे दाऊद आगे बढ़ा और एक पत्थर लिया और पत्थर उठाया और गंदूर में भरा, उसको नचा के मारा, गोलियत ढेर हो गया। दाऊद को किसके ऊपर, दाऊद को भरोसा किसके ऊपर था? परमेश्वर। आप ये कभी नहीं कहना कि मुझे चित ढंग नहीं है, कभी नहीं कहना कि मुझे प्रार्थना करने का ढंग नहीं है, कभी नहीं कहना एक ढंग नहीं है। अरे खड़ा तो होको, प्रभु मदद करेगा, कोई बात नहीं। अगर हमको नहीं ढंग है,
हमको सवाल पूछ दिया गया, वचन पूछ दिया गया, नहीं बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, शर्म के बात नहीं समझने के, शर्म के बात है। इसका मतलब हम कमजोर है, इसीलिए हमको ऐसा सुनने को मिला है। हम आज से बाइबल उठाएंगे, पढ़ेंगे, अगली बार मैं सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन जब तक परीक्षा आएगा नहीं, शर्म आएगा नहीं, तो बढ़ेगा कहां से? आमीन, आमीन। अब ढीठ बनो। यहाँ पर देखो क्या लिखा है। यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर ने दर्शन दिया था और यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा कि तू जाओ और तुम जो मैं कह रहा हूं उसे तू करो। तुम हर जंग जीत सकते हो। यिर्मयाह व्यक्ति ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मुझसे नहीं हो सकता भाई, मेरे को मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पर देखो वचन पांच में लिखा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैं तेरा अभिषेक किया, मैंने तुम्हें जातियों का भस्वक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहो कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुम्हें भेजूंगा तू वहाँ जाएगा और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुख देखकर मत डरना, कहता है तुम उनके मुख के देखकर मत डरना, क्योंकि तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ रहूंगा, यहोवा की यही बाड़ी है। तब यहोवा ने हाथ पकड़कर, हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। कहता यिर्मयाह कह रहा है कि हाथ बढ़ाकर परमेश्वर यहोवा ने मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। हालेलुया। अभी तो आप कुछ अभी जैसे मैंने पूछा तो अपना समझ से सहारा लेने से अच्छा था कि प्रभु से सहारा ले लेते कि हे प्रभु मेरी मदद करते। लेकिन आपका सहारा क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं तो शायद नहीं बता पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जब तक तुम खुद पर भरोसा रखोगे मारे जाओगे, लेकिन प्रभु पर सब भरोसा रखोगे जंग जीत जाओगे। बोलो आमीन। गोलियत को जब दाऊद ने मारा, छोटा बच्चा मारा, राजा बन गया। राजा समझ गए कि नहीं? हिम्मत रखने वाले लोग राजा बनते हैं। आप भी राजा हो, लेकिन डरपोक लोग राजा नहीं बनते हैं। हिम्मत वाले लोग आगे बढ़ते हैं। सफल आमीन। बाइबल में लिखा है कि नरक के कुंड में कौन जाएगा? टोने हैं, मूर्ति पूजक, व्यभिचार करने वाले, झूठ बोलने वाले, घमंड करने वाले, ईर्ष्या करने वाले। अब समझ रहे कि नहीं? डरपोक कभी प्रभु के राज में नहीं जाएंगे, ये सब नरक के कुंड में जाएंगे। अगर यीशु का बच्चे हो तो सीना चौड़ा करके काम करो, नहीं तो ना करो। हम प्रभु के लोग हैं। परमेश्वर तब हमारा मदद करता है जब हम परीक्षा में होते हैं, ऐसा नहीं करता है। ऐसे आप प्रभु को सामर्थ्य को नहीं देख सकते हो। लेकिन जब प्रभु के लिए कुछ करोगे और आपके ऊपर परीक्षा आएंगे, उस समय आप जानोगे कि प्रभु हमारे साथ है कि नहीं है। ऐसे नहीं पता लगेगा। जब आपके ऊपर सताव होगा, जब आपको लोग ताना मारेंगे काम करते समय, तब आपको पता लगेगा कि हमारे पास परमेश्वर है कि नहीं। अभी ऐसा नहीं पता लग सकता, परीक्षाएं में पता लगती है। यीशु मसीह के चेले जब यीशु के साथ थे तो उनको पता नहीं लगता कि यीशु चमत्कार कर सकता है, लेकिन जब नाव पर जा रहे थे और तूफान आ गया, तूफान इतना तेज आ गया कि वो डर गए, घबराने लगे, तब यीशु से सहारा लिए गए, हे यीशु मेरे मदद कर। यीशु तब तक इंतजार करता है जब तक तुम हिम्मत रख के आगे ना बढ़ो, तब तक इंतजार करता है। जब तक तुम आगे ना बढ़ो, जब तक तुम प्रार्थना करो, जब तक तुम प्रचार ना करो, जब तक विश्वास ना करो, तब तक परमेश्वर आपको कुछ नहीं करेगा, पास में रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन जब आप प्रभु का काम करोगे और आपके ऊपर परीक्षा आएंगे, उस समय परमेश्वर डरेगा नहीं, आपके साथ खड़ा हो जाएगा और कहेगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उस समय परमेश्वर मदद करता है। आप समझ रहे कि नहीं? कब मदद करता है? जब हम गिरते हैं, जब हम परीक्षा में पड़ते हैं, वो हमारी मदद करता है। सब बला हालेलुया। आपके परमेश्वर तभी मदद करेगा जब आप उठ के खड़े हो जाओगे कि मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ।
बेशक आपको काम करना नहीं आता है, बेशक आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए कि मैं काम कर सकता हूँ, मैं वचन पढ़ सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं उपवास कर सकता हूँ, मैं उपवास रख सकता हूँ, मैं दुआई कर सकता हूँ, किसी का मदद कर सकता हूँ, मेरे पास जेब में एक भी रुपया नहीं है, फिर भी हम भरोसा रखते हैं कि हम दूसरे का मदद कर सकते हैं। अगर हिम्मत रखो एक दिन पैसा भी आ जाएगा, लेकिन आज ही अगर आपका हिम्मत कमजोर है तो कल पैसा भी रहेगा तो भी किसी का मदद नहीं कर पाओगे। आपके अंदर इतना सामर्थ है, इतना सामर्थ है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने सामर्थ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों परमेश्वर के काम में अभी ढीले पड़े हो? क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? क्यों नहीं अपने सामर्थ को दिखा रहे हो, अपने ताकत को दिखा रहे हो? परमेश्वर जब आपको कह रहे हैं कि मैं माँ के पेट से चुन लिया हूँ, एक बार छलांग मार के तो देखो, एक बार खड़ा हो तो देखो, एक बार आगे बढ़ के तो देखो आपके साथ क्या होता है। भला हुआ तो अच्छा है, बुरा हुआ तो भी अच्छा है, बढ़ो तो सही। कैसे जानोगे कि परमेश्वर मेरे साथ है? एक व्यक्ति यीशु के पास जाता था चर्च में, और यीशु के पास जाते जाते वो जब जाता था चर्च के अंदर, यीशु से यही कहता था, हे यीशु मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, यीशु मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो यही कहता था कि यीशु मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, यीशु मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। महीना बीत गया, दो महीना बीत गया, तीन महीने बीत गया, चार महीने बीत गया, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं देखा, वो परमेश्वर को नहीं देखा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन के बाद है, वो जा रहा था, जल्दी जल्दी जा रहा था, और जैसे रोड पार कर रहा था, ट्रक वाला आया, उसको ठोकर मार दिया। ट्रक वाला आया, उसको ठोकर मार दिया। वो विश्वासी व्यक्ति था, चर्च जाने वाला व्यक्ति था, यीशु पे ईमान रखने वाला व्यक्ति था, ट्रक वाला ठोकर मार दिया, और जैसे वो गिरा उसका टांग टूट गया। टांग टूटने के बाद वो बेहोश हो गया, लोगों ने उठाया उसको हॉस्पिटल में लेके चले गए, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। एक घंटा बीत गया, दो घंटा बीत गया, तीन घंटा बीता, उसको कच्चा प्लास्टर कर दिया कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसकी आंखें खोली, उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। हॉस्पिटल में पाने के बाद उसको याद आ गया कि मुझे तो चर्च जाना चाहिए, मुझे तो चर्च जाना चाहिए। अब देखो पैर टूट गया, लेकिन वो प्रभु को दोष नहीं लगा रहे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार प्रभु अगर होता तो मुझे परेशानी थोड़ी होता, पर जब परेशानी होता है तब परमेश्वर आता है। उस समय क्या हुआ, रोने लगा कि मुझे चर्च जाना है, मुझे सही कर दो, मुझे सही कर, चर्च जाना है। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा पैर टूट चुका है, तुम चर्च नहीं जा सकते हो, तुम प्रार्थना नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा पैर टूट चुका है। लोग चर्च में बैठे थे, प्रार्थना ही कर रहे थे कि परमेश्वर मेरी मदद करे, परमेश्वर मेरी मदद करे, प्रार्थना ही कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर किसी का मदद नहीं किया। और ये व्यक्ति हॉस्पिटल में सोया था, आंख बंद किया था और ध्यान लगाया था कि हे परमेश्वर काश मैं तेरे चर्च में होता, मैं प्रार्थना करता और मैं तुम्हें देख पाता। पैर टूट गया लेकिन फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना ही कर रहा है। और जैसे वो प्रार्थना कर रहा था, थोड़े समय के बाद एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है, और बूढ़ा आदमी आता है तो उसको पैर को दबाता है, और जैसे पैर को दबाता है, पैर दबाने के बाद उस लड़का से पूछता है, बेटा तुझे क्या हुआ है? और हाथ जोड़ के कहता है कि मेरा पैर टूट गया है, मुझे चर्च जाना है, मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे परमेश्वर से मिलना है। और उसी समय क्या हुआ, बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटा तो ठीक हो चुका है, एक बार खड़ा होकर तो देख। और जैसे बूढ़ा व्यक्ति कहता है, वो व्यक्ति खड़ा होता है, और जैसे खड़ा होता है उसका पैर जुट चुका है। हालेलुया। जब उसका पैर जुट चुका है, उसके बाद वो पूछता कि आप कौन है? तब यीशु मसीह उसके सामने खड़े होते हैं, कहते हैं मैं तेरा पिता यीशु हूँ। हालेलुया। दुख में जब हम दुख में होते हैं, बेड पे होते हैं, बीमार होते हैं, समस्या में होते हैं, तो यहोवा हमारे संग रहता है, वो हमारे साथ रहता है, वो आपके साथ रहता है। आमीन आमीन। अब समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा कि मैं तेरे मुंह में क्या डालूंगा, वचन दूंगा, जो तुम्हें कहना होगा मैं तुम्हारा मदद करूंगा। इसलिए आपको कभी डरना घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मदद करने वाला परमेश्वर है। आमेन आमेन। यशायाह के पत्र 41 का 10 में लिखा, क्या लिखा जल्दी से पढ़ लो, भतीजे वाले लोगों को आगे लिया दो,
वाले लोगों को आगे लिया लो आराम से के करके। हाँ 41 का 10 मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अगर आप बीमारी में हो, कर्जी में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, समस्या में हो, लाचारी में हो, किसी भी कंडीशन में हो, आपसे परमेश्वर कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। बोलो मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? मत डर खाली कहे खतरा कि प्रभु ने इस बात को बोला है। अबे थोड़ा सा कोनो परेशानी हो जाना, कहा प्रभु के नहीं कहा तू गई। लाख मुसीबत आ जाए लेकिन विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, तब वो हमारे सहायता करेगा। आमेन आमेन। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, तेरे सहायता करूंगा और तेरे दाहिने हाथ पकड़ के कहूंगा मत डर। क्या लिखा? अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। आमेन आमेन। आपको कौन संभालने वाला है? परमेश्वर परमेश्वर। क्या आपको अंदर जो मुर्दा है वो जिंदा हुआ कि नहीं? विश्वास एक बार बढ़ो तो सही, एक बार यीशु मसीह के लिए कोड़े खाओ, कितने खाएंगे? हैं? आगे वाला तो कोई नहीं खाएगा भाई साहब, ये सब खाली दुआ करा वेल। अबे बागियों से ही प्रार्थना करा, देखो पीछे वाले लोग कह रहे हम कोड़े खाने के लिए तैयार हैं। तैयार हो? हैं? ताना सुनने के लिए तैयार हो? ये लोग जंग जीतेंगे। आमेन। कहता है कि धन्य है वे व्यक्ति जो मेरे कारण तुम्हें सताता है और तुम्हारा निंदा करता है, इसे उदास मत होना क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा ही है। सब बोला हालेलुया। स्वर्ग का राज तुम्हारा ही है। आमेन आमेन। मैं ज्यादा वचन नहीं दूंगा क्योंकि समय कम है, धूप ज्यादा है। थोड़ी सी बातों से समझ सको कि प्रभु हमारे साथ रहता है। हमें मनुष्य को देख के सेवा नहीं करना है, हमें परमेश्वर को देख के सेवा करना है और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हमें कौन सहायता करेगा? परमेश्वर हमारे सहायता करेगा। आमेन। थैंक यू फादर जीसस लॉर्ड। सुनो जितने बीमार हैं आज सबके लिए मैं दुआ करूंगा, परमेश्वर उनको खड़ा करेगा। ओके अपना अपना जगह से नहीं हिलना और छोटे छोटे अगर बच्चे हैं तो उनको पंखा के पास रखना, धूप में ज्यादा गर्मी में नहीं रखना, ठीक है? मैं गर्मी के मारे मीटिंग जल्दी बंद कर दूंगा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। और सुनो शनिवार को रात को मीटिंग लगता है, शनिवार को रात में पूरे रात मीटिंग चलता है, सुबह 4 बजे भोर तक चलता है, तो शनिवार को रात का मीटिंग कर सकते हो। बीफे मीटिंग रात का हो गया है, दिन का मीटिंग बंद हो गया, बीफे दिन में मीटिंग नहीं होगा, बीफे रात का मीटिंग होगा। समझ रहे कि नहीं? बीफे का रात को मीटिंग होगा, बीफे का रात में हम लोग अपना मीटिंग में इकट्ठा होंगे, परमेश्वर आशीष देगा। और संडे मीटिंग आतवार वाला मीटिंग भी इस आतवार को देखते हैं धूप कैसा रहता है, अगर नॉर्मल ना रहा तो आतवार भी मीटिंग रात को ही होगा क्योंकि धूप में इतना परेशानी हो जाता है कि हम तो दुख लेकर आए हैं लेकिन गर्मी के कारण परेशानी और बढ़ जाती है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, ये परीक्षाएं की घड़ी है। अभी प्रभु धूप दिखा रहा है, कह रहा है कि सुधर जाओ, इससे ज्यादा तापमान, इससे ज्यादा आग तुम्हें नरक में लगेगा तो कैसे बर्दाश्त करोगे? इसलिए परमेश्वर कहता है आज ही मन फिराकर भाग जाओ, आज ही सबको छोड़ के भाग जाओ ताकि ठंडक में आ जाओ। सब बलहा ले लिया, सब बलहा ले लिया। देखो पंखा में 3 पंखा होता है, आप कौन सी पंखा पसंद करोगे आप जानते हो। एक छत पंखा होता है, चल रहा है कि नहीं? एक कूलर पंखा होता है और एक एसी पंखा होता है। 3 लेवल है इसका, जो पसंद है ले लेना। अगर ऐसे चाल चलोगे तो ऐसे ही रहोगे। आपके ऊपर है कैसे चल रहे हो।
यीशु के साथ ऐसा चलोगे तो दुख 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 करते रहोगे, थोड़ा सा फास्ट चलोगे तो इसका जैसा हो जाओगे, और जब दोनों का सामना कर लोगे तो कूलर में चले जाओगे, एसी में चले जाओगे, ठंडा में चले जाओगे, जब ठंडा में चले जाओगे तो फिर गर्मी नहीं आएगा, सब बलहा ले लिया, फिर बीमारी नहीं आएंगे, आपके समस्या नहीं आएंगे, क्योंकि आप ठंडक में चले गए, सब बलहा ले लिया। आप समझ रहे कि नहीं? चुन लो आपको कौन सी जगह चाहिए, परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप बपतिस्मा लेने वाले हो, कितने लोग हैं? अपना जीवन प्रभु को देने वाले हो? यीशु मसीह हर विश्वासियों का आदेश दिया, सुनो, जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं वो लोग भी सुनेंगे, जो ले चुके हैं भी सुनेंगे। यीशु मसीह ये आदेश दिया चेलों को, जाओ जगत के छोर में तक जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो ताकि उनका उद्धार हो। जब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता है उसका उद्धार नहीं होता है। बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति का उद्धार होता है, लेकिन जो नहीं लिया है उसका उद्धार नहीं होता। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, उद्धार का मतलब होता है स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर देना। जब आपका छुटकारा होगा तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए आया, कितने विश्वास करते हो? यीशु मसीह कोई धर्म और जाति के लिए नहीं आया, यीशु मसीह संसार के लिए आया, यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए आया। यीशु मसीह अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया, यीशु मसीह का बलिदान चढ़ाने से हम सब बचाए गए हैं, सब बलहा ले लिया। यीशु मसीह के जानते कि लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, कितने जानते हैं? यीशु मसीह देखा क्रूस पर लटका हुआ, हाथ में कीला, दोनों पैर में कीला लगा है, सर पे कांटे के मुकुट है। आप मुझे बताओ कि जब यीशु मसीह के पैर में कीला, हाथ में कीला लग रहा था तो उसको दर्द होता होगा कि नहीं होता होगा? हाँ, तो दूसरा ट्रैक बजाए कर, आत्मिक सॉन्ग मेरा। हाथ में कीला लगा था तो दर्द हुआ था कि नहीं हुआ था? पीठ पर कोड़ा लगा था तो दर्द हुआ था कि नहीं हुआ था? सर में कांटे पहनाया गया था तो ब्लड निकल रहा था तो दर्द हुआ था कि नहीं हुआ था? उसको पता है दर्द क्या होता है, सब बल हालेलुया। यीशु मसीह के गलती क्या था कि लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया? यीशु मसीह के गुनाह क्या था कि लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया? यीशु मसीह के बहुत गलतियां थी, यीशु ने बहुत गलती किया था। आप जानना चाहोगे यीशु ने क्या क्या गलती किया था? कितना जानना चाहोगे यीशु मसीह गलती? बताऊं, यीशु मसीह का गलती यह था कि वो दुश्मनों से प्रेम करता था। यीशु मसीह की गलती यह था कि वो बोलो दुश्मनों से प्रेम करता था। यीशु मसीह की गलती यह था कि पापियों को पाप को क्षमा करता था। अगर कोई पापी है उसे दंड नहीं देता था, उसे माफ करता था, जा बेटी मैं तुझे माफ करता हूं, फिर से पाप मत करना। ये यीशु मसीह का गलती था। यीशु का गलती यह था कि अंधों को रोशनी देता था कि तुम देख सको। यीशु का गलती यह था कि वो कोढ़ियों को शुद्ध करता था। यीशु का गलती वो था कि दबे हुए कुचले हुए अनाथों का बेसहारों का सहारा बनता था, उठाकर खड़ा कर देता था। यीशु मसीह की गलती यह था कि वो अपाहिजों को जो लंगड़े थे, अपाहिज थे, विकलांग थे, उनको उठाकर खड़ा करता था और कंधे पर हाथ रखता था और कहता था जाओ बेटा आज से फिर गलती मत करना। यीशु मसीह की गलती यह था कि वो संसार से प्रेम रखा। यीशु मसीह की गलती यह था कि वो मुर्दों को जिंदा किया। आप देख रहे हैं उसकी गलती, और ये चीज दुनिया को पसंद नहीं है, नहीं आया। यीशु का गलती यही था, इसलिए यीशु मसीह को लोगों ने समझ गया, अगर आज इतना अच्छा काम कर रहा है तो इसके पास तो भाई सैकड़ों का सैकड़ों लोग जा रहे हैं। अगर ये करता रहेगा तो हमें कौन पूछेगा, हमें कौन पूछेगा? समझ रहे कि नहीं? तो यीशु मसीह, जो यीशु के पास आता है वो मसीह हो जाता है। आप क्या हो? मसीह लोगो। आप कौन लोगो? मसीह। हम यीशु मसीह के चेले हैं, मसीह लोग। मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब क्या होता है जानते हैं? मसीह का मतलब बताओ। नहीं जानते हैं? मसीह, मसीहा,
मददगार क्या होता है? मददगार, जो दूसरों को मदद करता है वो मसीहा होता है, जो दूसरों को गलती को क्षमा करता है वो मसीहा होता है, जो दूसरों को बोझ उठा लेता है अपने ऊपर वो मसीहा होता है, जो दूसरों को सहायता करता है, रोटी देता है, कपड़ा देता है, मकान देता है, दूसरों को दुखों को दुख समझता है, दूसरों को बीमारी समझता है, गरीबी को गरीबी समझता है, दूसरों को दुख में साथ देता है, वो मसीहा होता है। आप समझ रहे कि नहीं? जो दूसरों को हेल्प करता है, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग, अगर किसी को कोई परेशान है उसका कोई मदद कर दिया तो लोग कहते हैं कि तू मेरे लिए मसीहा बन के आया है। मदद करने वाले क्या होता है? मसीह होता है। आप मदद करने वाले, इसलिए आप मसीह हो, आप मसीह के कुल के हो, आप परमेश्वर का बेटे हो, इसलिए आप मसीह हो। अगर आप कहते हैं लोग कहे कि तुम मसीह हो, बोलो हाँ मसीह हैं। मसीह का मतलब होता है दूसरों को बोझ उठाने वाला। आमीन, आमीन। हम मसीह लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं, दया करने वाले लोग हैं, हेल्प करने वाले लोग हैं, इसलिए लोग मसीह बोलते हैं। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? बाइबल के अंदर कोई जाति के बात, कोई क्रिश्चियन नहीं लिखा, कोई जात नहीं लिखा कि तुम क्रिश्चियन हो, ये हो, वो, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह धर्म और जात बदलने नहीं आया, यीशु मसीह जीवन बदलने आया। क्या बदलने आया? जीवन। बोलो जीवन। आपको भी कोई धर्म जात नहीं बदलना है। आप जिस जात में हो, जिस धर्म में हो, जिस बरादरी में हो, परमेश्वर का धर्म और जाति से मतलब नहीं है। आप मसीह हो कि नहीं हो, ये मतलब है। आप दया करने वाला हो कि नहीं हो, ये मतलब है। आप प्रेम करने वाला हो या ना हो, ये मतलब है। आप बुराई से दूर रहने वाले हो या ना हो, ये मतलब है। आप गलती से दूर रहने वाले हो या ना हो, ये मतलब है। चोरी करने से दूर हो या ना हो, ये मतलब है। परमेश्वर धर्म नहीं, परमेश्वर जीवन बदलता है। बोलो आमीन। इसलिए धर्म चेंज नहीं करना, जात बिरादरी नहीं बदलना है, जीवन बदलना है। बदल जाएंगे। आमीन। आप सुन लिए? आप तैयार हो? ये लोगों को पीछे ले चलो बपतिस्मा के लिए। चलो, बपतिस्मा बिना जीवन अधूरा है, और जो कोई पानी से एक बार बपतिस्मा ले लेता है उसका पाप क्षमा हो जाता है। जो चाहता है कि आज मेरा पाप क्षमा हो जाए, आज पानी से डुबकियां लगाएगा, पाप क्षमा होगा। समझ रहे कि नहीं? आज उसका उद्धार होगा। बाइबल कहता है जो विश्वास करे, मरकुश 16:16 में क्या लिखा, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहरा जाएगा। विश्वास करने वाले में चिन्ह होगा, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को ठार लेंगे, प्राणनाशक वस्तु पीछे तो कुछ हानि ना होगा, हमारे पर हाथ रखेंगे, रोग चंगा हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर के लोग ताली बजाएं यीशु के लिए, जोर से जोर से ताली बजाएं। जीजस लॉर्ड फादर, बटी प्रभु भोज वाला भी सामान मेरे पास लिया कर रख दो, प्रभु भोज वाला सामान भी लिया कर रख दो यहाँ पर, और सामान रख दो, मैं तोवा करके रेडी रखता हूँ। तो जो लोग यहाँ पर हैं उनको बंटवा दो, तब तक वो हाथ में लेकर रेडी रहेंगे। फादर जीजस लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं सबके लिए दुआई करूंगा। आप तैयार हो? बोलो नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे, मेरा साथ परमेश्वर है। छपरा से कौन लोग आए? छपरा सिवान से, गोपालगंज से। परमेश्वर आप सबको बहुत सारे आशीष दे। हाजीपुर, हाथ उठाओ। पटना साइड से भी कोई आया है? हाजीपुर पटना से कोई ऐसे? परमेश्वर ब्लेस करेगा। सुनो सुनो, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हम एक मीटिंग करने वाले हैं पटना के अंदर, बहुत बड़ा मीटिंग, बहुत बड़ा मीटिंग। वहां पर मैंने होटल, जो मीटिंग का हॉल होता है वो मैंने देख कराया है। आज शाम तक उसको बुकिंग के लिए मैंने मैसेज डालना है, और हम सब चलेंगे मीटिंग करने के लिए पटना में। कितने चलोगे मीटिंग करने पटना में? चलोगे? और वहां पर
वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा तौर के जिसके पास वंश नहीं है, बच्चा नहीं है, स्पेशली उसका अलग मीटिंग होगा, बीमारों का अलग मीटिंग होगा, जिसको अभिषेक चाहिए उसका अलग मीटिंग होगा, अलग अलग बनाया गया कुर्सी बनाया गया, उसमें वहाँ पर गर्मी नहीं लगेगा, उसमें चारों तरफ से एसी लगा हुआ है, खाना पीना सब चीज़ अंदर अंदर रहना, अंदर से निकलने का मन ही नहीं करेगा, समझ रहे कि नहीं? वो जगह का क्या नाम था? वो जगह है पटना में विद्युत विभाग का ऊर्जा ऑडिटोरियम, ऊर्जा ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, हाँ पता नहीं उल्टा सीधा नाम है, लेकिन बहुत जबरदस्त, उसको हिंदी में सभागार कहते हैं, सभा करने वाला जगह, सभा करने वाला जगह पटना के अंदर है, वो सबसे नंबर वन, मेरा परमिशन नंबर वन, चर्च भी होगा नंबर वन, लोग भी जाएंगे नंबर वन, आप भी हो नंबर वन, बोलो हम नंबर वन लोग हैं, है ना? बैठा दो बड़े लोगों को, बड़े बड़े घर वाले लोगों को, एक घंटा यहाँ पर पता लग जाएगा, लेकिन हम नंबर वन है, धूप भी बर्दाश्त करते हैं, छांव भी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हम नंबर वन है, आमीन, आमीन, समझ रहे कि नहीं? हाँ हाँ, हम प्रार्थना करेंगे, सब खड़े हो जाओ अपने स्थान से, जीसस फादर लॉर्ड, इधर इधर के, ओ लॉर्ड हालेलुया, पिता यीशु इसको उठाओ, ऐ स्वर्ग पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हर एक अन्न को बुझाने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तो ये भोज लिया करना, और जो लोग ये भोज लेते हैं परमेश्वर, उनके पाप दोष गुनाह क्षमा कर देता है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जब ये लोग रोटी खाएं, रस पिए, उनके पाप अपराध क्षमा किया जाए यीशु के नाम में, मैं प्रार्थना करता हूँ एक नया जीवन के साथ ब्लेस कर, सब कुछ तेरी इच्छा से पूरी होने पाए यीशु के नाम में, आमेन। इसको क्या करना है, विश्वासी जो लोग हैं बपतिस्मा ले चुके उनको अभी बटवा दो, जब तक हम बपतिस्मा देंगे तब तक बटवा दो, तब तक तुम आराधना करो, हम सब तब तक आराधना करेंगे प्रभु के लिए, झूम झूम के, हाँ हाँ, गाओ गाओ गाओ, थैंक यू, बजा बजा नारा लगाओ, आमीन, जितने बीमार है वो चंगे होने जा रहे हैं यीशु के नाम, आमीन, ओ लॉर्ड फादर, सबको सबको दे दिया प्रभु, थैंक यू जी, ओके, जो लोग अभी लिए हैं उनको दे दो, वो भी दे दो, हालेलुया, ओ जीसस फादर, जीसस फादर, अपने बीमार वाला जगह पर हाथ रखो, बीमार लोग अपने बीमार वाला जगह पर हाथ रखो, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, यीशु राजा रापा सना री बाबा पापा पा राधा दादा खड़ी खड़ी खड़ी, पवित्र परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा अभिषेक, तेरे सामर्थ्य, तेरे ग्रेस, तेरे पावर को मांगता, होली स्पिरिट यहाँ पर काम करे, पवित्र आत्मा काम करे, तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से, मेरे प्रभु आज बड़े बड़े काम, अद्भुत काम, अद्भुत काम, अद्भुत चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इसी समय मेरे प्रभु जो बीमार है, चलते नहीं, घूमते नहीं, बैठते नहीं, सुनते नहीं, देखते नहीं है मेरे प्रभु, उनके ऊपर दया हो जाए यीशु मसीह के नाम में, मैं प्रार्थना करता प्रभु एक जन को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर, बोलो आमेन, सब पर हालेलुया, हालेलुया, आप सब यीशु मसीह के दीवाने हो, अब ठीक हो रहे हो, बोलो आमेन, आमेन, हाँ, फिर थोड़ा सा गीत का, छोटा सा गीत का छोड़ कर, रू से भर दे मुझे, रू से भर दे, बोलो थोड़ा, अभी जो लोग चलते नहीं है, उठते नहीं है, बैठते नहीं है, उनके ऊपर आप उनके घर वाले लोग तेल लगाएंगे, अभिषेक का तेल हाथ में होगा, लगाओ जल्दी से लगाओ, रू से भर दे मुझे, रू से भर दे, ओ अपनी जलाल को जाहिर कर दे, अपनी जलाल को जाहिर कर दे, रू से
थैंक यू इधर थोड़ा हटाओ मैं लेडीज को देखूंगी तू इधर आ ले यार इसका घर वाला कौन है जी पापा जी ये तीन महीना से इस बहन को पेट में दिक्कत है चल नहीं पाती है बोल नहीं पाती है सब कुछ दिक्कत होता है बॉडी में इसको हटाना है हटना तो क्या नाम है तुम्हारा कम कम क्या नाम है पूछ नाम पूछ नाम क्या मुन्नी देवी पैर पैर सीधा कर पैर सीधा कर तू अपना पैर सीधा कर पैर सीधा कर बोल उसे पैर सीधा करने के लिए दोनों दोनों ओके ओके खाना खाइए खाना खाई ले बड़ू कहाँ है भूख निकल लगो अच्छा ओके 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 जी पापा जी एक महीना हो गए इस बहन को खाना खाने के लिए एक महीना जी जी खुदा काम करेगा आमीन ओके ये कौन है आप इस बहन का पति है कौन है पति है इसका इसको क्या बीमारी हो गया पेट का सूजन है पथरी हो गया है वो डॉक्टर बोलता है कि वो लीवर का कमजोरी है इस कारण सोए रहती है सोए रहती है कोई काम नहीं करती है ना, चल भी नहीं पाती है कुछ भी नहीं कर पाती है नहीं इसको गोद उठाओ वो उठाएंगे उसका पति उठाएंगे देखता हूँ पहलवान है कि नहीं बता इनको कैसे वो गोद उठाना है हेलो शाबाश Thank you, Jesus. Oh, Jesus, Father, Lord. Upar, upar, upar. Lekar hai naar, lekar hai naar. Solana nahi abhi. Lekar hai, idhar ghumao, idhar ghumao, idhar ghumao. Idhar ghumao, bas yahi raho, yahi raho. Dekho, ye inke patni hai, kitne dekh rahe ho? ये एक महीना हो गया खाना खाए ना खाना खाती है ना पानी पीती है ना चल पा रही है ना कुछ कर पा रही है ये पड़े रह रही है कितना पैसा लगा दिया अभी तक कितना लगा दिया 50,000 तक लगा दिए अभी 50,000 लगा दिए अब कितना लगा लेना है अब जितना लगेगा उतना लगाना ही पड़ेगा दरबार में आए हाँ क्या काम करते हो क्या काम मजदूरी करते हैं मजदूरी करते हैं ओके आप कितने चाहते हैं कि इनका पत्नी ठीक हो जाए खुश हो जाओगे देखो ये बेचारी ना चल सकती है ना खड़ा हो सकती है ना कुछ कर सकती है ना कुछ पानी पी सकती है ना कुछ खा सकती है देखो देखो पति गोद में लेकर खड़े हैं कब से हाथ बढ़ाओ इसको खड़ा करते हैं ये बेचारी चल नहीं सकती कुछ नहीं कर सकती है लेकिन हम सब तो प्रभु के लोग हैं ना हम दया करना जानते हैं दुआ करना भी जानते हैं उधर जाओ दुआ प्रार्थना बैठ सो मेरे प्रभु यीशु तू हर एक लोगों पर दया करता है मैं इस बेटी के लिए दुआ करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये बेटी उठ के खड़े हो जाए और बल्ला जाए इसके अंदर हे मेरे प्रभु यीशु तेरे महिमा होने पर जिस प्रकार से मेरे प्रभु तूने मुर्दों में से लाजर को जिंदा किया और कहा हे लाजर तू बाहर आ और वो बाहर आ गया वैसे मैं इसका बीमारी को कहता है ऐ बीमारियां तुम बाहर आ जाओ तक ये ठीक हो जाए ऐ शैतान तुम बाहर निकल जाओ इसके अंदर से ऐ कैंसर सुजर पथरिया रसोलिया बीमारियां परेशानियां जाओ यीशु के नाम से इसके अंदर बल आ जाए और चलने का शक्ति प्राप्त करे आमीन पिता इसके ऊपर दया हो जाए यीशु मसीह के नाम में आमीन यीशु के नाम में हम पे दया करो बोलो हम पे दया करो दया करो ओके
जीसस फादर, प्रभु इसके ऊपर दया हो जाए। अभिषेक का तेल दे। तूने वचन में लिखा परमेश्वर यदि कोई बीमार है तो अभिषेक करके तेल लगा, रोगी चंगा हो जाए, तेरा वचन पूरा हो जाए। आमेन। यीशु के नाम, यीशु के नाम, आमेन। आमेन। थोड़ा इसको खड़ा करा कर लेडीज चेक कर दो, एक और लेडीज साथ दौड़ के इसको आराम से खड़ा कराओ, खड़ा करा, खड़ा कराओ, खड़ा कराओ, खड़ा करो। ताली बजाइए परमेश्वर को। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। जोर से ताली बजाइए। ये परमेश्वर है बेटा, कुछ भी कर सकता है। एक महीना हो गया खड़ा, खाना खाया, खड़ा हो, मेरा पैर मत छू, मैं तेरे लिए दवाई कर रहा हूं। इसका बांध ना दो सोरे खावत राजा साहब जी को बांध दे, बुतो सो का हो जाए, थोड़ा उठा के बांध दो सो, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ। ओके खाना ही नहीं खाया उसके अंदर शक्ति कितना होगा आप समझ सकते हो। लेकिन आज ये पहली बार अपने पैर पर खड़ा है और ये देखो अभी चल पा रही है। चल बेटा चल मेरे पास आ। ओ यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया जी पापा जी। ये भाई बता रहे हैं कुर्सी दे इसके, कुर्सी दे, कुर्सी कुर्सी, कोई कुर्सी तो जोड़ के, बस बस रुक 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 रुक। हालेलुया कुर्सी दे, कुर्सी लिया पहले जल्दी से। बता रहे मेरी पत्नी 25 दिन हो गया था खड़ा नहीं हो पाती, 25 दिन से, 25 दिन से, 25 दिन से खड़ा नहीं हो पाती, आज पहली बार। हालेलुया पति पति गवाह है, 50,000 लगाए हैं, कह रहे हैं कि जितना लग जाए, लेकिन अब जितना नहीं लगेगा, अब जितना लग गया उसे कम हो जाएगा। आमेन। समझ रहे कि नहीं? यस। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते, यीशु का दरबार देखो, खड़ा होकर देखो बेटा, उठ के देखो, खड़ा होकर देखो, लगाओ जोर, मैं हाथ पकड़ा हूं, चेक करो बेटा, नहीं थकना, थोड़ा सा हिम्मत रखो, उठो तो उठो, उठो मैं पकड़, उठो 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 उठो, मटर 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 मटर, यीशु का दरबार रे, खड़ा रहो, खड़ा रहो, खड़ा रहो, स्टैंड अप, खड़ा रहो, खड़ा रहो, बेचारी खाना ही नहीं है, क्या कर सकती है, लेकिन ले जाओ पानी, दो पानी, पानी,
पानी का बटल जाओ दौड़ के। सुनो, जितने बीमार हैं मुझे देखने देना, सब बीमारों को देखने देना, परमेश्वर काम करेगा। इनके पानी का बटल दो, जल्दी से फटाक दे। खोलो 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 खोलो। और सुनो, जितने जितने लोग सोए हुए चल नहीं सकते हैं, परमेश्वर उनके लिए काम करेगा। मुंह खोल बेटा, मुंह खोल। पानी भी पीने ताली बजाए इसके लिए। सुनो, ये आसे सुनो, अभी थोड़े देर में इसको कुछ खाने को देना। नेटिंग खत्म होगा, कुछ खाने को देना। लगातार खान पान पर ध्यान रखना, कपड़ा लत्ता साफ सुथरा पहनाना, बिस्तरा साफ सुथरा देना, परमेश्वर खड़ा कर देगा। ताली बजाए इसके लिए। इसको इसको आराम से चला के ले जाओ, चला के ले जाओ। हाँ हाँ, हालेलुया। क्या क्या हालेलुया। पापा जी ये सुनाम से आए हैं, चार साल के बाद। अनिल मेरे पास आ, पापा जी चार साल के बाद। ये तेल लेना, जितने लोग चलते नहीं है, जो लेटे हुए हैं, उनको तेल मार और उनको चेक करा। तो दुख जाओ अपने काम कर। हालेलुया। पापा जी ये सिवान से आए हैं, पहली बार आए हैं। पहली बार जी, आज चार साल के बाद पहली बार ये बिना सहारा के चल ले रहे हैं। ओ, चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। कम कम जोर से ताली बजाइए। देखो, पहली बार आए हैं और पहली बार ही ठीक हो गए। ताली बजाएं शुक्रिया। जोर से ताली बजाएं। आराम से चला के ले जाओ। सफल हालेलुया। चेक करो, चेक करो अपने अपने बीमारी को। ऐ कुशवाहा जी पीछे जाओ, चेक करो। और बीमारी वाले अपना हाथ रखो, चलिए ले हाथ रखो। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आत्मा से भर जाओ,
आत्मा से भर जाओ, 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 यीशु मसीह का नाम। तेरा गर्व खुल रहा है, अभी तेरा गर्व खुल रहा है। अभिषेक अभिषेक लो, अभिषेक 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 अभिषेक। ओ सोले 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 रुकिया की सोले, सोले 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 हम सब विश्वास करने वाले के साथ अब से लेके सदा सदा के लिए बना रहा यीशु का नाम में, बोलो आमेन। ताली बजाएं और सब अपने घर जा सकते हैं, परमेश्वर आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष देगा।